अमरोहा में पिंक बूथ का किया गया शुभारंभ, प्रदीप गुप्ता ने फीता काट कर किया शुभारंभ। लखनऊ में होर्डिंग को लेकर साधा गया निशाना, राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कानपुर में बढ़ते कोरोना को देखते सरकार एक्शन मोड में, हैलेट अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल। रायबरेली में गौशाला प्रभारी रहे नदारद, कर्मचारी उठाते अलाव का आनंद। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में दो की मौत। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और नए साल के दूसरे महीने में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन भी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री विदेश में जाकर निवेशकों से मिल रहे हैं, इसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने का आमंत्रण भी दे रहे हैं। वहीं आज राजधानी में जापान के राज्य रक्षा मंत्री फ्यूजीमारो सतोशी ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य से उनके सरकारी निवास पर बैठक की और उनसे चर्चा में कहा कि भारत और जापान का रिश्ता अटूट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य तेजी से विकास कर रहा है और आप निवेश का ऑफर लेकर आए हैं, इसका हम इस्तकबाल करते हैं। वहीं यूपी के मूल बसिंदे और जापान में 30 वर्षों से सरकार के कंसल्टेंट रहे मोहम्मद जावेद खान का इस कमेटी के इंडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं। सुनिए उन्होंने प्राइम टीवी से क्या कहा। डेलीगेशन है, ये माननीय मंत्रीगण का डेलीगेशन है, जापान के उप रक्षा मंत्री थे और आप हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये जापान के एक्स आईटी मिनिस्टर हैं और पिछले 45 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ओसाका इनकी फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आज एक कमेटी जो जापान की है पार्लियामेंट मेंबर्स की, जिसका लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश की मदद करना निवेश को लेकर के, यानी जो डेवलपमेंट होना है सोशल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जापान की ही इंडस्ट्रियाँ मोस्टली आनी हैं, उनको लगना है, चाहे आज हम टोयोटा को देखें या होंडा को देखें या सुजुकी को देखें, सबकी इंडस्ट्री आ चुकी हैं, तो उनके जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको बसाया जाए और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और लोगों को रोज़गार दिया जाए, ये इसका मकसद है। बांदा में हम लोग एक इंडस्ट्रियल टाउन भी प्लान कर रहे हैं जिसमें जापानियों को ला के बसाया जाए और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तकरीबन 5000 एकड़ में प्लान कर रहे हैं कि 5000 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाए जिसमें स्पेशली जापान की सारी इंडस्ट्रियों को लाके लगाया जाए और उस बांदा में एक तहसील है बबेरू और एक वहाँ का विलेज है उसको कहते हैं बगंडा, तो उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जगह परचेज भी कर रखी है और वहीं पे हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी माननीय सांसद जी हमीरपुर में है, एक गाँव है परसनी, ब्लॉक सुमेरपुर हमीरपुर के अंतर्गत आता है, जापान की जो कृषि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको इंट्रोडक्शन किया जाएगा। खबर लखनऊ से है जहां लखनऊ के जानकीपुरम स्थित कैरियर पब्लिक स्कूल में फेट का आयोजन किया गया और इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद सलीम ने बताया कि कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के छात्र छात्राओं ने तरह तरह के व्यंजनों का स्टॉल लगाया और कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान होता है। गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए हम लोग फेट के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। सर, ये कैरियर पब्लिक स्कूल है और मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ और ये कार्यक्रम है बच्चों को के लिए फेट लगाया गया है। इसमें लिखिए सर, बच्चों को फेट के लिए बुलाया गया था, फेट एक लगाया गया है जिससे बच्चों को चारों दिशाओं में उनका विकास किया जा सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना पढ़ लिखने के बाद भी कोई काम कायदे से नहीं कर पाते हैं, तो स्कूल उसको चारों दिशाओं में एक्टिविटी करा के और फेट लगा के और कार्यक्रम करके सांस्कृतिक प्रोग्राम करके ये
इनको बच्चों को मार्ग दिखाता है। स्कूल ने हमारे यहाँ पे फेट ऑर्गेनाइज की गई है जिससे कि बच्चों का थोड़ा एंटरटेन हो, बच्चे इंजॉय कर सके पढ़ाई के से थोड़ा सा हटके। हम लोग ने बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइज किया है। क्या क्या यहाँ पर देखने लायक है? यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं जिसमें बच्चों ने छोले भटूरे, पाव भाजी, फ्रेंच फ्राइज, मंचूरियन, चिली पनीर और यहाँ पर फेट का फेट ऑर्गेनाइज किया है हम लोगों ने। और यहाँ पर क्लास 1 to 8 लगभग 50 to 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। और इसमें बहुत सी स्टॉल्स लगाई गई हैं, बहुत पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा हुआ है। खबर कानपुर से है जहां के हैलेट अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की गई। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला का कहना है कि कोविड 19 को लेकर किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया और हॉस्पिटल में आने से लेकर आईसीयू तक सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही हैलेट अस्पताल में 100 बेड एडल्ट के लिए और 100 बेड बच्चों के लिए भी तैयार है। इसके अलावा कुल 600 मरीजों के समुचित इलाज की तैयारी की गई है। उनका कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। अमरोहा में डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जीवाई में पुलिस चौकी परिसर में पिंक बूथ का शुभारंभ किया गया। सीएल गुप्ता ने एक्सपोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणीत गुप्ता ने फीता काट का शुभारंभ किया जिसमें महिलाओं के शिकायतों को सुना गया और उन समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें SP आदित्य और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार, CO विजय राणा और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थानों के साथ साथ जहाँ जहाँ चौकियाँ हैं या जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पिंक बूथ की स्थापना होनी चाहिए। इसी क्रम में आज CL गुप्ता से मिस्टर प्रणीत गुप्ता भी आए हैं, इनके सौजन्य से यहाँ पे पिंक बूथ की यहाँ पे स्थापना की गई। यहाँ पे एडिशनल साहब, CO साहब हमारे साथ, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज भी उपस्थित हैं। ये पिंक बूथ की सुविधा, इसमें एक महिला हमेशा यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे रहेंगी। उनके पास में एक रजिस्टर रहेगा, कोई भी महिला शिकायत लेकर आएगी तो उसकी शिकायत को समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण। पर हमारी कंपनी की ओर से एक महिला बूथ जिसको पिंक बूथ भी कहा जाता है उसका उद्घाटन SP साहब द्वारा करा गया। और हमारी कंपनी की ओर से और हम स्वयं भी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। किसी कारण से इस चौकी को इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं और अब एक ये महिला बूथ का भी यहाँ पर जो है शुभारंभ हो गया है जहाँ पर एक महिला आरक्षी हमेशा रहेंगी। और क्षेत्र के अंदर मातृशक्ति या हमारी माता बहनों को जो भी दिक्कत होगी उसके लिए हम हमेशा। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में मस्जिद बचाने के लिए पूर्व विधायक ने 10 लाख रुपए दिए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम जमीन से अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी और इसमें बने मदरसे को भी तोड़ा जाना था, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करने लगे। मदरसे पर बुलडोजर चलने की जानकारी जब पूर्व विधायक जमीर उल्लाह को हुई तो वो मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जमीन के मालिक से बात की और उसे मदरसे की जमीन को खरीदने को कहा, जिसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए में जमीन का सौदा तय किया और जमीन मालिक को 10 लाख का चेक भी दिया। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद प्रशासन की टीमें वापस लौट गईं। इस पूरे मामले में आपसी बातचीत से समझौता हो गया। मस्जिद को लेकर कोई मामला नहीं है, न्याय ये 3082 पे भू माफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटवाया गया, उसी पे ये मदरसा बना हुआ था। तो दोनों पक्षों में इसके बारे में समझौता हो गया है, एक दूसरे की ज़मीन किराए कर लेना है। तो ये मदरसा क्या अवैध ज़मीन पे बना हुआ था? मतलब गलत बैनामे के आधार पे बना, गलत व्यक्तियों से कराए गए बैनामे के आधार। तो किसी को इसमें गिरफ्तार भी करेगा? इसमें FIR की गई। क्या मामला है मस्जिद का, क्या है? शंकर लाल एक काश्तकार था यहाँ पर, उसने 2007 में एक बैनामा 1100 गज का किया दीपक भाई को 2007 में, और फिर 2000 जब उसका हिस्से में इतनी ज़मीन आती थी 1100 गज जगह उसने बेच दी दीपक भाई को। फिर उसी ने शंकर लाल ने 2010 के अंदर बेच दी अफजाल भाई को, कोई बैनामा दूसरा ही कर दिया। अब उसने जो दीपक भाई हैं उन्होंने कोर्ट से आदेश कराकर या मुख्यमंत्री के आदेश जो भी हो वो आदेश।
बिजनौर में घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक बाइक पर सवार दो मजदूर काम के लिए जा रहे थे। घने कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई। बाइक पर सवार दोनों मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये घटना घने कोहरे के कारण बताई जा रही है। बिजनौर के नाजिबाबाद थाना क्षेत्र के समीपुर कोटद्वार मार्ग का ये घटना है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक मजदूर के शवों को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला अस्पताल भिजवाया गया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं इस घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ में होर्डिंग को लेकर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर लगी एक होर्डिंग पर प्रतिबंध लग गया है। ओम प्रकाश राजभर पर लगा प्रतिबंध पर शुभासपा के महासचिव अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग शुभासपा की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। शुभासपा पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ये लोग पिछड़ों का हक छीनने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार से अधिक सरकार रही, जिसमें पिछड़ों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। ये लोग थाने की दलाली का काम करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन के शिकार में हो गए हैं। इनके अंदर बौखलाहट बढ़ गई है और ये बेचैन हो गए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी घबराए हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भी बौखला करके अब होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं कि प्रतिबंधित है। अरे मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुसलमानों को कितना हिस्सेदारी दिया, इसलिए अब मुसलमान भी वहां कार्यालय में झांकना नहीं चाहता है। अति पिछड़े 38% अकेले हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, बंजारा हो, बारी हो, बहेलिया हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, नाई हो, तमाम जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको कितनी हिस्सेदारी भागीदारी दिया है समाजवादी पार्टी ने। लखनऊ में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम समेत कई विभागों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए ये दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नागरिक सुविधा दिवस को देखते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार विकास प्राधिकरण पहुंचे। वहां पर उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ नागरिकगण लखनऊ विकास प्राधिकरण में इसलिए आए हैं कि लगभग 4 माह पूर्व यहाँ पे सृष्टि अपार्टमेंट में श्री त्रिपाठी उपाध्यक्ष द्वारा निरीक्षण करके 12 ऐसी अपूर्ण कार्य पाए गए थे, जिन्हें करने के लिए उन्होंने तुरंत आदेश भी दिए, लेकिन 4 माह बाद भी 12 में से कोई भी काम अभी तक न तो शुरू किया गया, न ही ये बताया गया कब शुरू होगा। इसके अलावा एक क्लब भवन का भी निर्माण होना था, इसका टेंडर भी हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूरी होगी, काम उसका शुरू नहीं किया है। कुछ नगर निगम से संबंधित भी कार्य थे जो जिसमें स्टेट सियाना से शांतिपूर्ण बुद्धा पार्क के योग केंद्र से आप बोलिए। मैं पतंजलि योग केंद्र है आशियाना में, शांति उपवन बुद्धा पार्क नंबर 3। इसमें हम लोग 15 साल से योग कर रहे हैं। यहाँ एक हम लोगों ने प्रयास करके सेट के लिए जो है 1200 स्क्वायर फीट का जो है वो सेट सेंक्शन कराया था चबूतरा, जिसमें इन्होंने 850 स्क्वायर फीट का चबूतरा बनाया और सेट बनाया 525 स्क्वायर फीट का। 50-60 लोग डेली योग करते हैं। ठेकेदार ने कहा कि हमने सेट इसलिए बताया कि ललन प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा भाई देखो हमको समझो, सेट और जो बनाना हो कम बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? 2006 में रजिस्ट्री कराई थी सोसाइटी की और उसको जगजन किया गया 2000 में, और उसके बाद कुछ लोगों को जिसका 1800 था उसको 1800 दिया गया, किसी को 1600 दिया गया। मैंने भी 2005 से मांग कर रहा हूँ, आज तक मेरा निस्तारण नहीं हुआ। रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के शिवपुर हुसैनाबाद में स्कूल से घर आ रहे 5वीं की छात्रा की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि छात्रा खीरो थाना के मुरियन खेड़ा मजरे हर्दी का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छात्र की मौत की सूचना पर परिजन पहुंचते हैं, कोहराम मच गया।
रायबरेली में परशदीपुर टाउन एरिया में दो दिन पहले अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसकी जांच कराने उपजिलाधिकारी सलोन द्वारा की गई। एक वीडियो वायरल होने के बाद परशेदपुर गौशाला का उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया, फिर भी गौशाला में सुधार नहीं हुआ। आपको बता दें कि मृत पड़ी गाय को कौवे नोचते हुए दिखे। गंदगी के अंबार के बीच बेजुबान जानवर ठंड से कांप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी अलाव का आनंद ले रहे हैं। लखनऊ में यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बता दें कि बिना ओबीसी आरक्षण तय किए जाने निकाय चुनाव होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह भी कहा है कि समय पर चुनाव संपन्न हो। सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। ये निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। अवध बार के अध्यक्ष राकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, आज फैसले का हिस्सा रहे हैं आप, क्या फैसला आया इस बिल को लेकर? सरकार का 5 दिसंबर 2022 का आदेश निरस्त कर दिया गया है, जिसमें ओबीसी के आरक्षण की बात की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि चूंकि कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए ये चुनाव तुरंत कराया जाए और जो सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई थी उन सीटों को जनरल डिक्लेयर किया जाए और उसको सिर्फ सामान्य वर्ग से ही भरा जाए। ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन दे नहीं होगा। अच्छा, अगर माना जाए तो कब तक चुनाव हो सकते हैं आपके मुताबिक? भाई, चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है और अगर सरकार चाहेगी तो चुनाव जनवरी के आखिर तक कराया जा सकता है। शुक्रिया हमसे बात करें तो। हमारे साथ अवध बार के अध्यक्ष राकेश चौधरी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने नगर विकास विभाग का जो नोटिफिकेशन था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया है और साथ ही जल्द ही माना ये जा रहा है कि जनवरी तक चुनाव हो सकते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर गाजीपुर से है। कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और पूरे देश के अस्पतालों में कोविड की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। कई अस्पतालों में कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, आरटीपीसीआर लैब आदि का निरीक्षण किया गया और बताया गया कि जनपद कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहाँ के सारे उपकरण पूरी तरह से काम कर रहे हैं। फिलहाल जिले में कोई भी कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है, पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेक करने आए हैं हम जिला अस्पताल के लिए, हम नोडल हैं, जो कि ये फैसिलिटी L2 है। इसमें केवल ये देखना है कि हर चीज फंक्शनल है, तैयार है, कहीं कोई इशू है उसको दूर करना है, लेकिन जो सेवाएं पहले से चल रही हैं उस सेवा को डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी तरह की जो सेवा है वो चलती है। मॉक ड्रिल ये पूर्वाभ्यास होता है कोविड में तैयारी के लिए, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट का प्रेशर, ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई, ऑक्सीजन की वेंटिलेटर की क्रियाशीलता, डॉक्टर्स की ड्यूटी, स्टाफ नर्स की ड्यूटी, सारी चीज़ सिस्टम्स लगाई जाती हैं जिससे कोविड के दौरान सुगमता से काम किया जा सके। देश में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसार लिया है। आपको बता दें कि नए वायरस को लेकर शासन के निर्देश पर सुल्तानपुर जिले में अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता के साथ तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत देखी गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के अनुसार यहाँ सब ठीक ठाक लगा। एक स्पेशल मॉक ड्रिल की गई थी इमरजेंसी में, क्योंकि चाइना वगैरह में एक नया वेरियंट मिला है जो ओमिक्रॉन का BF7, तो उसके चलते यहाँ पे एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल की गई है कि यहाँ पे तैयारियाँ ठीक ठाक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ये पूरे प्रदेश में आज की तारीख में किया जा रहा है। यहाँ पे अभी मैं परीक्षण कर रहा हूँ, अभी तक सारी चीज़ें लगभग ठीक मिली हैं और आशा करता हूँ कि शायद सभी चीज़ यहाँ पर ठीक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कई बार मॉक ड्रिल हो चुकी है, जितनी भी पहली कमियाँ थी सारी दूर कर दी गई हैं। बाकी सब खैर के यहाँ पे ठीक है, स्टाफ वगैरह सब मौजूद है, यहाँ पे सबकी ड्यूटी रोस्टर से लगाई जा रही है।
संचारी रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विकास सिंघल गाजियाबाद पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद संयुक्त निदेशक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवतेश शंखधर, जिला सर्विस लांच अधिकारी डॉक्टर गुप्ता समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों के साथ संयुक्त अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डॉक्टर विकास सिंघल ने निरीक्षण के दौरान सरकारी अस्पताल में कोरोना के नए वेरियंट से बचाव और उपचार के लिए इंतजामों को बारीकी से परखा। संयुक्त निदेशक द्वारा दोनों अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा गया। उसमें तैयारी है कि ऑक्सीजन प्लांट अभी काम फंक्शनल है एंड वेंटिलेटर्स जो हमने देखे हैं जो उनके पास 12 बेड हैं, 6 बेड एक वार्ड में थे जिसमें हमने देखा, तो उसमें 4 वेंटिलेटर तो अभी इन प्लेस थे और 2 रखे हुए हैं उनके पास, वो लगा लेंगे, वो देट आर फंक्शनल। एंड जो यहाँ पर 3 फ्लोर पे 30-30 बेड के वार्ड्स हैं वो हमने देखे, बाकी फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर उसमें जो आइसोलेशन बेड्स हैं और ऑक्सीजन सप्लाई है, पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई है, देयर इज इन प्लेस, ये सब अभी देखा। हमारे करोड़ की जगह पूरी तैयारियां हैं, अभी आपने देखा कि सभी जगह मॉक ड्रिल चल रही है, तो नोडल साहब जो आए हुए हैं डॉक्टर विकास जी लखनऊ से जॉइंट डायरेक्टर साहब, ये यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी सभी जो अस्पताल हैं उनमें हमने यहाँ से नोडल नियुक्त किए हैं, वो सबकी मॉक ड्रिल करा के आएंगे हम। लेकिन प्रिपेयरनेस के लिए अभी MG अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट भी देखेंगे कि वो कार्यरत है, कितना कैसे कर रहा है। हम जितने सबको निर्देश दिए हुए, सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे भरे हुए होने चाहिए, जो डी टाइप बी टाइप है उनकी संख्या कितनी है, मैन पावर हमारी कितनी है। अभी लगते अलग कि कुछ और भी ट्रेंड कराना होगा तो उनको और को भी ट्रेंड। फरीदाबाद में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर बिना डिग्री के हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। बता दें कि एक फर्जी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी बल्लभगढ़ के भोरा पब्लिक स्कूल रोड पर आशीर्वाद हॉस्पिटल के नाम से क्लिनिक चला रहे थे। विभाग के अधिकारियों ने सूझबूझ के साथ एक फर्जी ग्राहक को हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए भेजा। वहीं जब इसकी चेकिंग की गई तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वहां छापा डाला और अस्पताल के संचालक से जब कागजात मांगे तो वह कोई भी कागज नहीं दिखा सका। बल्लभगढ़ के SMO डॉक्टर TC गढ़वाल ने तुरंत इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम को एक सूचना मिली कि बल्लभगढ़ में एक आशीर्वाद हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जो MD डिप्लोमा पेडिट्रिशियन लिखा हुआ है जिन्होंने अपनी डिग्री में बाल रोग विशेषज्ञ, उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। इस आधार पर स्थानीय चिकित्सा विभाग जो SMO साहब थे डॉक्टर मान सिंह, उनके और उनके साथियों की टीम और स्थानीय पुलिस के साथ जब औचक निरीक्षण कल किया गया तो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब डॉक्टर गुप्ता जो मिले उनके पास BAMS की डिग्री है, परंतु इस तरह की कोई डिग्री नहीं है कि वो जो MD हो और पेडिट्रिशियन हो। इस आधार पे बल्लभगढ़ में जो थाना आदर्श नगर है वहाँ पे कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करवाई गई थी। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MM हॉस्टल में बीते दिन कश्मीरी और गाजीपुर छात्रों के बीच में बैडमिंटन को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में हुई झड़प को लेकर अब कश्मीरी छात्रों से जुड़े संगठन के अध्यक्ष ने लोकसभा सांसद सतीश कुमार गौतम से मुलाकात की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर छात्र संगठन के अध्यक्ष नासिर खुएमी ने कहा कि MU में जम्मू कश्मीर के 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। MU में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले हुए हैं लेकिन उसमें MU प्रशासन ने बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखाई है। इसको लेकर लोकसभा सांसद सतीश गौतम से बात की है, यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को हटाए जाने की मांग की है और जो भी मामले में दोषी होगा उन छात्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने से यूनिवर्सिटी से उन्हें निष्कासित भी किया जाएगा। कश्मीर से हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वो मिलने के आए जो कश्मीर के छात्रों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके साथ मारपीट होना, हथियारों के बल पर गुंडागर्दी करना, खुलेआम हथियार लहराना, और वो तो छात्र एक साथ हो गए नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनकी तलाशी होनी चाहिए, खुलेआम वहाँ पर हथियार दिखाई दे रहे हैं, कट्टे दिखाई दे रहे हैं, पिस्टल दिखाई दे रही हैं, बच्चे हाथों में लेके घूम रहे हैं। मेरी BC से, प्रॉक्टर से और रजिस्ट्रार से, तीनों से बात हुई है,
अभी मेरी रजिस्ट्रार जी से इमरान जी से बात हुई है, वो स्वयं आईपीएस हैं, उन्होंने कहा सांसद जी मैं कार्रवाई कराऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से 1400 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलर्स और बाकी अन्य कोर्सेज में जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले पेश आए, जिस जो मामला हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोक्टर रजिस्ट्रार और इनफैक्ट वीसी की नोटिस में लाया था, लेकिन पिछले 3 महीनों में मारपीट के मामले में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। अमरोहा में लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जनकपुरी के पास कैंप कार्यालय पर जन समस्याएं सुनी, साथ ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी कराया। इस अवसर पर पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर के कैंप कार्यालय पर सरोज देवी, सोनिया प्रजापति आदि बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। कासगंज में सर्द मौसम में कोहरे के बीच गांव गणेशपुर से कई महिलाएं मासूम बच्चे को लेकर एटा रोड विद्युत उपकेंद्र पहुंची। पिछले 6 दिनों से लाइट न आने पर महिलाओं ने प्रदर्शन कर ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग की है। उन्होंने विद्युत आपूर्ति न होने के चलते प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 1 माह पहले से फूके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकर विभागीय कर्मचारी मामले की सुध नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते लोगों ने SDO ऑफिस में घेराव किया। जी हमने अभी बताया तो वो ये कह रहा है कि हमें क्या पता किसको दिए आपने, हमें कोई जानते नहीं है क्या नाम है क्या किसको दिए। तो यहाँ पे लेडीजों ने जिसने इकट्ठे करके दिए उन्होंने बताया है कि हमने इसको दिए हैं, उसका नाम है नजबुल। अच्छा तो अभी ये जो आप लोग आए हैं क्या किसी उच्च अधिकारी से आपकी बात हुई अब तक? जी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। बस ये कह देते हैं कि आ जाएगी लाइट, चले जाओ आप कल आ जाएगी, आज चले जाओ कल आ जाएगी, डेली यही कहना है। रायबरेली में जेल में तैनात सिपाही पर गेट के सामने जानलेवा हमला हुआ। आपको बता दें कि यह हमला कागज के चंद रुपए को लिए किया गया है। ड्यूटी से घर जा रहे सिपाही पर साथी सिपाहियों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला जिला कारागार रायबरेली का है। डॉक्टर अनुराग शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक जेल के सिपाही आए हैं जिसके साथ बातचीत हुई, तो क्या है पूरा मामला? ये मनोज मुकेश दुबे नाम के हैं, जिनकी उम्र पर लगभग 32 वर्ष है, जिनको यहाँ पे अभी लाया गया है, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार चल रहा है। राजीव शुक्ला ये पकड़े थे और कम से कम 10 मिनट तक लाठियों से ही मारे, जबकि ये सब भी सिपाही ही है जेल के। ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, भंडारे की सही से खाना बनवाते हैं, इन कैंटीन इन लोगों की नहीं चल रही है इस वजह से। रुचि दुबे, क्या हुआ? हमारे पति जेल में सिपाही हैं, भंडारे में ड्यूटी करती हैं, इसी को लेके 5 लोगों ने विजय सिंह, सौरभ वर्मा, प्रवेश सिंह, ये 3 लोग लाठी डंडे से मारे। अयोध्या में एक 14 वर्षीय किशोर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला थाना बाबा बाजार के बनमऊ गांव का है। SP ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि 14 वर्षीय किशोर गायब हो गया था। परिजन और ग्रामीण दिन भर तलाश कर रहे थे लेकिन बच्चा नहीं मिला। देर रात उसका शव थाना क्षेत्र के बनमऊ जंगल में मिला। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। साहब हम यहाँ से भैंस को हम कहा जाओ बेटा बांधे हो जाके, भैंस पानी पियाए ना उसके बाद लेके गए बांधे साहब, उसके बाद हम कहा बेटा बांध के आओ स्कूल चले जाओ, हम जाए गन्ना लोड करें। और साहब भैंस लेके गवा साहब, जब से वापस नहीं आओ हमारा लड़का। थाना बाबा बाजार क्षेत्र के बनगांव गांव से शाम को यह सूचना आई कि गाँव के पास के जंगल में 14 वर्षीय बालक की लाश मिली है। बालक का नाम सुभाष पुत्र राम मूरत साहू है, जो बनगांव गाँव का ही रहने वाला है। इसके बारे में जानकारी करने में पता चला कि यह सुबह भैंस बांधने घर से बाहर गया था, लगभग 9 से 10 के बीच में, तब से यह गायब था। घर वाले गांव वालों के साथ मिलकर इसको ढूंढ रहे थे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। देख रहे हैं Prime TV।
सच साहस सरोकार।